नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। ये ग्लैमर FI मॉडल है दोस्तों, और इसका जो फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है ज़्यादा टाइट चल रहा है दोस्तों, जाम चल रहा है। जो चक्का है रोटेट नहीं कर पा रहा है अच्छा से। देखिए मैं जैसे घुमा रहा हूँ तो ठीक से मूव नहीं कर रहा है, ज़्यादा टाइट घूम रहा है। उसका जो प्लेट है ज़्यादा हीट हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है मैं आप लोग को फुल डिटेल में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए वीडियो को एंड तक स्किप करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा दोस्तों पूरा, ठीक है। इसका कैलिपर को निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये जो कैलिपर है इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसका अंदर का जो पिस्टन है, पिस्टन को भी मैं बाहर निकालने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 12 mm का दो बोल्ट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा मैं लूज कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे निकाल देना है दोस्तों। ये निकल गया, उसके बाद इसको कैलिपर को निकालना है दोस्तों। और नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, फाइबर हैमर से हल्का सा टैप करना है। मैं जैसे टैप कर रहा हूँ इस तरह से आप टैप कर सकते हो, ठीक है। अभी इजीली निकल जाएगा दोस्तों, ये इजीली निकल गया। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, ज़्यादा करके बारिश के टाइम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, मिलेगा दोस्तों। तो बहुत प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है। तो इसके अंदर डस्ट चला जाता है, पानी चला जाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो इसका लॉक एक रहता है, लॉक को मैं निकाल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, पिन को थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा, छोटा पेचकस से। देखिए इस तरह से इसको निकाल देते हैं, अभी ये पिन निकल जाएगा दोस्तों। देखिए पिन निकल चुका है। उसके बाद जो डिस्क ब्रेक का पैड है वो भी बाहर आ जाएगा दोस्तों। देखिए पैड नया पैड है, आपको दिख रहा होगा, ठीक से नहीं काम कर रहा है। तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा उसके अंदर कितना डस्ट जमा हो गया है, और उसका जो पिस्टन है, पिस्टन ठीक से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है एक साथ, कोई एक पिस्टन ऊपर आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्लेट को भी निकाल देना है, देखिए प्लेट को मैं निकाल चुका हूँ। तो देखिए एक पिस्टन बाहर निकला और एक नहीं निकल रहा दोस्तों। तो इसकी वजह से इस साइड प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप और एक पिस्टन को दबाओगे और ब्रेक को प्रेस करोगे, ब्रेक लीवर को, तो और एक पिस्टन बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा दोस्तों, मूव करेगा। देखिए अभी निकल रहा है धीरे धीरे करके। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, दोनों पिस्टन एक साथ निकल रहा है तो ठीक है, एक पिस्टन आगे निकल रहा है एक पिस्टन पीछे निकल रहा है, तो एक पिस्टन का दबाना है हल्का सा और आपको प्रेस करना है लीवर को, जो ब्रेक लीवर, ठीक है। उसके बाद वही वाला जो पिस्टन दब गया है वो निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देखिए निकल रहा है अभी। इस तरह से आपको निकालना है। जब ऑयल ख़त्म हो जाता है ब्रेक ऑयल, उस टाइम नहीं निकलता है, ब्रेक ऑयल को आपको चेक करते रहना है। उसके बाद फिर से ब्रेक ऑयल डालना है, फिर से प्रेस करना है, ठीक है, लीवर को, तभी निकल जाएगा। देखिए एक तरफ का निकल गया और दूसरे तरफ का जाम हो गया, फिर से लटक गया आधा में आके, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस साइड फिर से हल्का सा दबा के रखूँगा ताकि उस साइड का निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे इसको खींच नहीं सकते, खींचोगे तो ज़बरदस्ती क्या होगा, वहाँ पे स्क्रेच आ जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम करेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी इस तरह से निकाल सकते हो। देखिए अभी पिस्टन ईजिली दोनों आ गया ऊपर, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। जो कोई भी डिस्क ब्रेक का काम कर रहे हो, जितना भी बाइक का डिस्क ब्रेक का, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। स्किप करके जाओगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, ये 10 मिनट का वीडियो है, आप ये कंटिन्यू देखोगे, लास्ट तक देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका जो पिस्टन है अभी निकल जाएगा दोस्तों, हल्का सा ऑयल वहाँ से लीकेज करना चालू हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा खींच देता हूँ, ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, तो जो पिस्टन है वो ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये निकल गया, जो पिस्टन ऊपर आया था वो निकल गया। उसके बाद जो ब्रेक ऑयल है उसको निकालते हैं और फेंक देते हैं दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है ब्रेक ऑयल, ठीक है। और एक पिस्टन को मैं निकाल रहा हूँ, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर सकते हो। देखिए पिस्टन निकल चुका है, आपको दिख रहा होगा दोनों पिस्टन निकल चुका है दोस्तों, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद उसके अंदर में जो ओरिंग है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको निकालना है, दोनों वाशर रहता है, वाशर को सही से रखना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये ओरिंग निकल गया, पतला वाला ओरिंग ऊपर रहता है, उसके बाद एक मोटा वाला ओरिंग आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मोटा वाला ओरिंग को निकाल देना है दोस्तों, देखिए ये निकल चुका है। इस तरह से आपको निकालना है, और एक तरफ का जो है पिस्टन तरफ का और दो ओरिंग लगा हुआ है उसको भी उस तरह से निकाल देना है, ईजिली निकल जाएगा दोस्तों। देखिए निकल गया पतला वाला, अभी मोटा वाला ओरिंग निकल जाएगा, आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको नया वाला ओरिंग आप लगा भी सकते हो, और इसको भी काम पे आप फिर से यूज कर सकते हो, ठीक है, काम पे लगा सकते हो फिर से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत आप निकाल के निकल उसको पानी में इसको डुबा देना है, क्योंकि उसके अंदर जो
ऑयल का जो थोड़ा सा इसके अंदर लग जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है वो रिंग, इसलिए नहीं कि आपको तुरंत पानी में डुबा देना है ताकि वो वॉश हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्लीन कर चुका हूँ, देखिए इसको भी क्लीन कर चुका हूँ, क्लिपर को, जिस जगह पे वो रिंग लगता है उस जगह पे आपको अच्छा से क्लीन करना है, क्योंकि जब वो रिंग फिर से लगाओगे तो उस जगह पे अच्छे से सही से बैठ जाए, ठीक है। नहीं बैठेगा अच्छा से तो क्या होगा, पिस्टन इजीली अंदर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से क्लीन करना है इसको, ओरिंग को भी अच्छा से क्लीन करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि ओरिंग डैमेज है तो ओरिंग आप चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ग्रेसिंग करना पड़ेगा दोस्तों, लूप करना पड़ेगा। एक ग्रीस आता है क्लिपर के लिए अलग से, वही वाला ग्रीस आपको यूज करना है। आप जो बेरिंग में यूज करते हो वो वाला ग्रीस आप लगाओगे तो ओरिंग फूल जाएगा, अच्छा से मूव नहीं होगा दोस्तों, काम नहीं करेगा, ठीक है। लगाते टाइम उसका पिस्टन इजीली नहीं जाएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी इस तरह से लगा सकते हो, देखिए पिस्टन पर लगा देना है, फिर से ऐसे करके लूप कर देना है ग्रीस लगा के। ये ग्रीस जो कि ओरिंग के साथ आता है, कभी आप किए होंगे ओरिंग जो चेंज करोगे उसके साथ ही आता है दोस्तों, ठीक है। वही वाला ग्रीस आपको यूज करना है। आपके पास ग्रीस नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, आप जो वैसलीन आता है वैसलीन को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो भी काम आ जाता है दोस्तों, उसमें भी काम करता है, ठीक है। तो देखिए मैं ग्रीस फिर से लगा चुका हूँ, उसके बाद अभी ओरिंग लगा रहा हूँ दोस्तों। जो ओरिंग है उसको मैं लूप कर चुका हूँ, लुब्रिकेंट कर चुका हूँ, लूप कर दिया हूँ पहले से ही, सही से बैठ गया दोस्तों, देखिए इजीली बैठ गया। ऐसे करना है, एक वन फिंगर से आप दबाना है, प्रेस करना है, उसके बाद ये लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा वाला ओरिंग लग चुका है, अभी मैं पतला वाला लगा रहा हूँ, ये भी इजीली चला जाएगा दोस्तों, देखिए इस तरह से करना है आपको, और वन फिंगर में इसको प्रेस करना है, इजीली चला जाएगा दोस्तों, जा चुका है आप देख सकते हैं। एक साइड में लगा चुका हूँ, अभी दूसरे साइड लगाते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी लगा के, ठीक है। देखिए ये बड़ा वाला ओरिंग है, आपको दिख रहा होगा, इजीली अंदर चला जाएगा दोस्तों, इस तरह से आपको लगाना है, देखिए ये चला गया। उसके बाद वन फिंगर में आपको उसको प्रेस करना है नीचे की तरफ, देखिए ये चला गया दोस्तों, नीचे की तरफ प्रेस किया, ये जा चुका है। अभी जो पतला वाला ओरिंग है उसको लगाना है, लेकिन आपको लूप करना पड़ेगा। आप लूप नहीं करोगे और लगाओगे तो इजीली नहीं जाएगा दोस्तों, जब भी ये काम कर रहे हो आपको लूप करना पड़ेगा। आपको प्लेन वाला ग्रीस नहीं लगाना है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्लेन वाला ग्रीस आप यूज करोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है, अच्छा से काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इजीली बैठ गया दोनों साइड, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं इसको दोनों साइड, अच्छा से लूप हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन जाने के लिए इजीली जाएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं जाएगा। पिस्टन टाइट में जाएगा तो फिर से जाम होगा दोस्तों, देखिए इस तरह से लगाना है पिस्टन को। पिस्टन के ऊपर भी मैं लगा दिया हूँ पहले से ही, ग्रीसिंग कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको प्रेस करना है, देखिए इजीली चला गया, आप देख सकते हैं दोनों फिंगर में प्रेस कर दिया, चला गया दोस्तों, इजीली चला गया। अभी और एक साइड है उसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उस साइड का देखिए ये भी जा रहा है, इस तरह से प्रेस करना है आपको। नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा आपको अप डाउन करना है दोनों तरफ तो चला जाएगा। सो हिला के आपको प्रेस करना है, देखिए अभी जा चुका है दोस्तों, इस तरह से प्रेस करना है, देखिए ये जा चुका है, ठीक है, ये चला गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ग्रीस लगाना ज़रूरी है, और आपको लग रहा है कि इसका जो यहाँ पे जो लगा हुआ है रबर दो आपको दिख रहा होगा, ये रबर जो है बड़ा बड़ा हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग का काम करता है दोस्तों, ये रबर कभी कभी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उस टाइम प्रॉब्लम करता है। तो उसके बाद यहाँ पे भी लगाना जो प्लेट है इसमें भी थोड़ा सा लूप कर देना है इस तरह से। जब भी आप लगा रहे हो रबर का बहुत बड़ा काम रूल है दोस्तों, वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि वो रबर फूल जाता है कभी कभी ना, तभी भी ब्रेक लटकता है, ठीक है। तो देखिए मैं जो रबर का बात कर रहा था वही वाला रबर है, इसके अंदर ये जाता है दोस्तों, तो स्प्रिंग टाइप का काम करता है, ठीक है। ये जा चुका है, आपको दिख रहा होगा। कभी आप ये रबर चेंज करो तो रबर भी मिल जाता है, रबर भी चेंज कर सकते हो, ओरिंग भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, अलग से मिल जाता है। अभी जो पैड है मैं डिस्क ब्रेक का लगा चुका हूँ एक, और एक साइड का लगा रहा हूँ, अभी दोनों साइड का लगा दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद ये पिन रहता है दोस्तों, पिन को लगा देना है, देखिए इस तरह से पिन को प्रेस करना है। मैं जैसे कर रहा हूँ आपको सैंपल ही बता रहा हूँ दोस्तों, ये काम आप घर पे भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। आपके पास लेकिन टूल किट रहना चाहिए, आप खुद कर पाओगे, ठीक है। ये पिन चला गया दोस्तों, उसके बाद इस पिन के ऊपर एक लॉक रहेगा, लॉक को लगा देना है, यहाँ पर होल दिख रहा होगा, देखिए ऐसे करके प्रेस कर देना है। लग गया दोस्तों, इस तरह से लगाना है। अभी रेडी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ये रेडी हो चुका है। उसके बाद अभी मैं फिटिंग करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। क्लिपर को इस तरह से आपको फिटिंग कर देना है, इजीली चला जाएगा दोस्तों। और इसका दो बोल्ट जो रहता है 12 mm का रहता है, देखिए वन बोल्ट में लगा रहा हूँ और एक बोल्ट नहीं लगाया, अभी लगा रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपको लगा देना है और टाइट कर देना है, ठीक है।
और जो पाइप लगा हुआ है पाइप में जो बोल्ट रहता है वो भी 12 mm का रहता है, कोई कोई बाइक में 14 mm का रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो वाशर है, दोनों वाशर लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो वहाँ से लीकेज करेगा दोस्तों। तो इस तरह से ऐसे लगाना है एक साइड, देखिए लग चुका है, उसके बाद दूसरे साइड लगाना है। देखिए बोल्ट लगाने के बाद ऐसे करके अभी मैं वाशर लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको वाशर लगा देना है, क्योंकि ये वाशर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ से ब्रेक वेल लीकेज करेगा, तो इसलिए वाशर लगाना ज़रूरी है। इस तरह से लगा के टाइट कर देना है, और ये ऑयल सारा ऑयल निकल जाता है, उसके बाद आपको नया वाला ऑयल डालना पड़ता है। देखिए मैं डाल रहा हूँ, इस तरह से आपको डाल देना है दोस्तों। देखिए डाल के ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ऊपर में बबल्स होगा दोस्तों, जब बबल्स होगा रहा है तो आपको लगेगा कि अच्छा से तेल जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए पहले क्या हो रहा था, फ्री नहीं था, अभी फ्री हो गया दोस्तों, इतना फ्री नहीं था पहले, अभी देखिए कितना फ्री हो गया, आप देख सकते हैं पूरा फ्री हो गया दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कुछ पूछना तो जरूर कमेंट करो दोस्तों।